बहराइच ज़िले के युवाओं को अब IAS और PCS की पढ़ाई के लिए बड़े जनपद को नहीं जाना पड़ेगा। इसकी पढ़ाई छात्र बहराइच ज़िले में ही डिजिटल लाइब्रेरी से कर सकते हैं। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि 2 करोड़ की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी की निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर मंजूरी मिल गई है। अब निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी हाईटेक रहेगी जिसमें NCERT के कोर्स की तैयारी छात्र और छात्राएँ कर सकेंगे। हाईटेक लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पर हमारे वृद्ध जन आ सकें, अपना समय बिता सकें और साथ ही साथ उनका ज्ञानवर्धन भी हो सके। इसके अलावा एक ये भी आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए एक ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पर बैठकर वो आराम से जो है अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सके। और इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन की जितनी भी किताबें हैं वो होनी चाहिए, महिलाओं के लिए अलग स्पेस होना चाहिए। तो हमने एक ऐसी हाईटेक लाइब्रेरी की हम यहाँ पे योजना कर रहे हैं जिनमें इन चारों तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा, महिलाओं को, बच्चों को, वृद्ध को और जो हमारा युवा वर्ग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इसमें अलग से कंप्यूटर्स लगेंगे, उन्हें जो है डिजिटल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन कंटेंट है वो उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी नवीनतम पुस्तकें हैं वो वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी और जो बैठने का स्थान है वो बहुत ही सुविधाजनक बनाया जाएगा जिसको जो है हमारे जनपदवासी इसका लाभ उठा सकेंगे।